नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे न्यूज, मैं प्रीति। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में कुछ स्टूडेंट्स को स्टंट और मस्ती करना महंगा पड़ गया। लापरवाही तरीके से ड्राइविंग करने की वजह से इन पर कार्रवाई हुई। इनका वीडियो पुलिस के पास पहुंच गया। कुछ ही घंटों में गाड़ी भी जब्त हो गई। अब इनका लाइसेंस कैंसिल किया जा रहा है। पुलिस ने इनकी हरकतों की जानकारी परिजनों को दे दी है। अब इन पर तगड़ा फाइन लगाने की तैयारी है। मामला रायपुर के पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय कैंपस से जुड़ा हुआ है। यहाँ चार स्टूडेंट्स की मस्ती का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। एक्टिवा पर तीन दोस्त बैठ गए और अपने चौथे साथी को किसी पार्सल की तरह हाथों में ही टांग लिया। इसी तरह लापरवाही तरीके से ड्राइविंग करने लगे। इनका पांचवा साथी वीडियो बनाकर सोशल मीडिया में रील्स अपलोड कर रहा था, जिसे किसी ने पुलिस को भेज दिया। रायपुर ट्रैफिक DSP गुरजीत सिंह की टीम फौरन हरकत में आई। गाड़ी के नंबर के जरिए स्टूडेंट्स का पता लगाया गया। पुलिस की टीम इनके घर पहुंच गई और गाड़ी लाइसेंस जब्त कर लड़कों को थाने लाया गया। इन पर कार्रवाई करते हुए मोटर व्हीकल की धाराओं में इनके खिलाफ पंचनामा तैयार कर मामला कोर्ट भेज दिया गया। मंगलवार को इनके प्रकरण की सुनवाई होगी। कोर्ट में लड़कों को 5,000 से 7,000 का फाइन देना पड़ सकता है। पुलिस की जांच में पता चला कि ये लड़के लालपुर और विश्वविद्यालय परिसर के आसपास के ही रहने वाले हैं। पुलिस ने इस कार्रवाई में 24 साल के तेजराम सिन्हा, 24 साल के हर्ष कुमार, 27 साल के अक्षय शर्मा और 21 साल के मिथिलेश नेता को पकड़ा। इन लड़कों को अपनी इस हरकत की वजह से माफ़ी भी मांगनी पड़ी। अब पुलिस ने इनका एक और वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड किया है, जिसमें पहले तो यह कुछ सेकंड में अपना स्टंट करते नज़र आ रहे हैं और उसके बाद पुलिस की गिरफ्त में दिखाई दे रहे हैं। कार्रवाई के दस्तावेजों के साथ इस वीडियो के जरिए पुलिस ने युवाओं को ऐसा कतई ना करने की अपील की है। यातायात नियमों का उल्लंघन किया है, ऐसी गलती हम दोबारा नहीं करेंगे। आपसे भी निवेदन है कि भी यातायात नियमों का पालन करें।